Hello friend, good morning. This is Jivis and welcome back to online class. Hope you are doing good and staying in home. So आप लोग hand wash जरूर कर रहे हैं और mask पहन के ही घर से बाहर निकलना. अगर आप खेलने के लिए निकल रहे हैं या किसी भी काम के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं तो mask जरूर पहने, ठीक है. बिना mask के घर से बाहर नहीं निकलना है तो आपके parents को जरूर बोलिए कि mask आपके लिए एक ला दें, ठीक है. तो बिना mask के घर से बाहर नहीं निकलना है, ठीक है. इवन आप गली में ही निकल रहे हैं फिर भी मास्क पहन के निकलना है. ओके, सो टुडे आई एम गोइंग टू टेक सोशल स्टडीज क्लास ऑफ स्टैंडर्ड 1. सो प्लीज ओपन योर बुक. इन लास्ट क्लास वी हैव स्टार्टेड आवर स्कूल चैप्टर 8 एंड वी हैव स्टडीड फ्यू थिंग्स. वी नो फ्यू थिंग अबाउट द स्कूल. तो आप लोग अभी घर में हैं, स्कूल नहीं आ पा रहे हैं, सो यू आर नॉट एंजॉयिंग द स्कूल बट यू आर हैप्पी इन होम. आप लोग खुश हैं घर में, आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं घर में, वेरी गुड, ठीक है. सो विल सून इन वी गोइंग टू सून मीट इन स्कूल. हम लोग जल्दी ही स्कूल में मिलेंगे बट हम लोग को पढ़ाई कंटिन्यू रखना है, छोड़ना नहीं है, ठीक है. सो In last class, we have studied school. What is the school? So school कहाँ से ये word आया है. So school, what is the meaning of school? Education plus horse means the horse of education. ठीक है, the horse of education is called school, right? जहाँ ऐसा घर जहाँ हम लोग education जहाँ मिलता है उस घर को हम लोग क्या बोलते हैं, school बोलते हैं. तो प्लेस जहाँ हम लोग को एजुकेशन मिल रहा है उस प्लेस को क्या बोल रहे हैं, स्कूल बोल रहे हैं, राइट. तो उस प्लेस को क्या बोलते हैं, ज्ञान का घर, ठीक है, हाउस ऑफ एजुकेशन. स्कूल में डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस होते हैं, टाइम टेबल्स होते हैं. सो मॉर्निंग में क्या होते हैं, हम लोग प्रेयर्स करते हैं, फिर क्लासरूम में हम लोग बैठ के पढ़ाई करते हैं. गार्डन होते हैं, गार्डन में हम लोग एक साथ चार से खेलते हैं. वी हैव प्लेग्राउंड, वी हैव गार्डन. तो गार्डन में हम लोग बहुत सारे प्लांट्स होते हैं. उस प्लांट्स को हम लोग को डिस्ट्रॉय नहीं करना है, प्लक नहीं करना है प्लांट्स को, ठीक है, तोड़ना नहीं है. तो ये सारी चीज हम लोग अभी तक पढ़े थे, आगे क्या है वो हम पढ़ेंगे. द बिल्डिंग of our school is huge and beautiful. जो स्कूल का बिल्डिंग होता है वो बहुत बड़ा होता है, राइट. स्कूल बड़ा होता है जहाँ हम लोग को क्या होता है, क्लासेस होते हैं, प्ले ग्राउंड होते हैं, गार्डन होते हैं, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफिस है, राइट. आपको बहुत सारे चीज होते हैं स्कूल में. तो बिल्डिंग ऑफ हॉस इज ह्यूज, राइट, बहुत बड़ा होता है एंड ब्यूटीफुल और सुंदर भी होते हैं. दे आर मेनी रूम इन द स्कूल. स्कूल में क्या होते हैं, बहुत सारे रूम होते हैं. इन दिस रूम आर क्लासेस रन. और इस रूम में क्या होता है, हमारा जो क्लास होता है, जो जहाँ टीचर आके आपको पढ़ाते हैं उस रूम को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लासरूम, ठीक है. तो जहाँ क्लासेस रन होते हैं, मीन्स क्लासेस रन मीन्स जहाँ हमारे जो एक्सरसाइज है या जो लेसन हम लोग जहाँ लर्न करते हैं उससे हम लोग जहाँ पर टीचर आके पढ़ा रहे हैं उससे हम लोग क्या बोलते हैं, क्लासेस रन, ठीक है. जहाँ पर क्लासेस रन होते हैं उस रूम को हम लोग क्लासरूम कहते हैं, ठीक है. इन दिस रूम आर क्लासेस रन. इस रूम में क्या होता है, हमारे क्लासेस रन होते हैं, हमारे क्लास चलते हैं. इन द स्कूल दे आर सेपरेट रूम फॉर प्रिंसिपल. स्कूल में क्या होते हैं, एक सेपरेट रूम होता है जो प्रिंसिपल रूम होता है. प्रिंसिपल के लिए अलग से एक रूम होता है. टीचर्स के लिए अलग रूम होता है. एंड ऑफिस भी अलग होते हैं, ठीक है. बड़े बड़े स्कूल में डिफरेंट रूम्स होते हैं, ठीक है. एक ऑफिस का अलग होता है, एक टीचर रूम्स होते हैं, एक प्रिंसिपल रूम होते हैं, लाइब्रेरीज होते हैं, लैब्स होते हैं, ठीक है. तो बहुत सारे रूम्स होते हैं. सो इन द स्कूल दे आर सेपरेट रूम्स फॉर प्रिंसिपल. स्कूल में सेपरेट रूम्स होते हैं प्रिंसिपल के लिए, टीचर्स के लिए एंड ऑफिस और ऑफिस वर्क के लिए, ठीक है. टीचर्स टीच अस इन द क्लास. टीचर क्या होते हैं, हम लोग को क्लास में पढ़ाते हैं. टीचर टीच
टीचर्स मीन्स बहुत सारी टीचर मीन्स डिफरेंट डिफरेंट टीचर्स टीच अस इन द क्लास, हम लोग को क्लास में पढ़ाते हैं. वी रिस्पेक्ट द टीचर, हम लोग टीचर को रिस्पेक्ट करते हैं, हम लोग को टीचर का रिस्पेक्ट करना चाहिए भी, ठीक है, क्योंकि उनसे वो हमारे गुरु हैं, उनसे हम लोग कुछ सीख रहे हैं. तो जिनसे भी हम लोग सीखते हैं, आप अपने मम्मी पापा से सीखते हैं, अपने दादा दादी से सीखते हैं, तो टीचर से भी सीखते हैं, तो इन सबको हम लोग को रिस्पेक्ट देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि टीचर्स आपके गुरु हैं, ठीक है. गुरु मीन्स जिनका हम लोग को आदर करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उनसे हम लोग कुछ सीख रहे हैं. तो वी रिस्पेक्ट द टीचर्स. प्रिंसिपल मैनेज द स्कूल, प्रिंसिपल का क्या काम होता है, वो स्कूल को मैनेज करते हैं. रामू काका रिंग्स द बेल, और जो रामू काका है ये स्कूल में जो एक प्यून है जिसका नाम क्या है, रामू काका, तो रामू काका रिंग्स द बेल, और जो घंटी बजाते हैं वो रामू काका क्या करते हैं, घंटी बजाते हैं. हर पीरियड के बाद बेल बजता है, राइट. तो रामू काका रिंग द बेल. क्लर्क वर्क इन द ऑफिस, क्लर्क क्या होते हैं, वर्क करते हैं ऑफिस में, और जो ऑफिस होते हैं स्कूल के उसमें क्लर्क जो होते हैं वो काम करते हैं. आर स्कूल स्टार्ट एट 8 o'clock. हमारा स्कूल है जो 8 o'clock मॉर्निंग में स्टार्ट होता है, ठीक है. ऑल द स्टूडेंट कम टू द स्कूल एट 8 o'clock, ठीक है. प्रिंसिपल जो होते हैं वो एक डिसिप्लिन बनाते हैं स्कूल का, एक रूल्स बनाते हैं, उस रूल को फॉलो करना होता है, ओके. ऑफ द स्कूल डिसिप्लिन मीन्स आपको किस टाइम पर क्या करना है, वो कैसे रहना है स्कूल में, हाउ टू बिहेव विथ अदर स्टूडेंट, हाउ टू बिहेव विथ टीचर्स, ठीक है. ये सारे चीज स्कूल में आप खेल रहे हैं तो इसमें आप प्यार से खेलें, लड़ाई नहीं करना है. तो प्रिंसिपल का ये सारे ड्यूटीज होते हैं कि ये सारे रूल्स जो डिसिप्लिन है वो स्कूल में लागू करें, एंड एवरीवन स्टूडेंट एंड टीचर्स इवन प्रिंसिपल ऑल्सो फॉलो द डिसिप्लिन ऑफ द स्कूल, ठीक है. तो आर स्कूल स्टार्ट एट, ये जो स्कूल दिख रहा है, ठीक है, ये स्कूल कितने बजे स्टार्ट हो रहा है, 8 o'clock. ऑल द स्टूडेंट कम टू स्कूल एट राइट टाइम, और जितने स्टूडेंट है स्कूल में राइट टाइम पर आ जाते हैं, ठीक है. ऑल स्टूडेंट कम टू स्कूल इन स्कूल यूनिफॉर्म, और स्कूल यूनिफॉर्म भी एक डिसिप्लिन है, ठीक है. एक रूल होता है स्कूल का कि यू हैव टू वेयर दिस टाइप ऑफ ड्रेस इन दिस डे. आप मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे आप डिफरेंट कलर के ड्रेस पहन रहे हैं तो फ्राइडे सैटरडे डिफरेंट हो जाता है. ये किसी किसी स्कूल में सेम भी रहते हैं, किसी में चेंज भी होते हैं, ठीक है. तो दे हैव सम स्कूल हैज एवरी डे डिफरेंट कलर यूनिफॉर्म, सो स्टूडेंट हैज टू फॉलो दैट रूल्स, दे हैव टू वेयर द सेम ड्रेस विच इज मेंशन, ठीक है. तो ऑल स्टूडेंट कम टू स्कूल इन स्कूल यूनिफॉर्म, ठीक है. यूनिफॉर्म एक स्कूल का एक यूनिफॉर्म होता है, ठीक है. उसी यूनिफॉर्म को स्कूल में पहन के आना है. देयर इज ऑल्सो अ लाइब्रेरी इन आर स्कूल, इस स्कूल में एक लाइब्रेरी भी है. देयर इज ऑल्सो अ लाइब्रेरी इन आर स्कूल, और स्कूल में एक लाइब्रेरी भी है. वी रीड बुक्स सिटिंग हेयर, हम लोग बुक्स रीड करते हैं
यहाँ बैठ के लाइब्रेरी में क्या करते हैं, बैठ के बुक्स, डिफरेंट डिफरेंट बुक्स को स्टडी करते हैं। तो लाइब्रेरीज में क्या होते हैं, आपके सब्जेक्ट्स के भी बुक्स होते हैं। सपोज सोशल स्टडी आप पढ़ रहे हैं, आपके पास जो बुक है उसके अलावा भी डिफरेंट डिफरेंट ऑथर, डिफरेंट डिफरेंट पब्लिशर का बुक्स होते हैं, ठीक है। उस बुक, जैसे सोशल स्टडी के 5 बुक्स आपको लाइब्रेरीज में और मिल सकते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट होंगे, जो आपके पास है उसके अलावा भी बुक मिल जाएंगे लाइब्रेरी में, ठीक है। आपको स्टोरीज बुक मिल सकते हैं, नॉवेल्स मिल सकते हैं, मैगजीन्स मिल सकते हैं, न्यूज़पेपर, ये सारी चीज क्या होते हैं, लाइब्रेरीज में होते हैं। ड्रिंकिंग वाटर एंड टॉयलेट फैसिलिटीज ऑल्सो अवेलेबल इन द स्कूल। और स्कूल में ड्रिंकिंग वाटर, पीने का पानी और टॉयलेट फैसिलिटीज भी स्कूल में अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो बिना ड्रिंकिंग वाटर और टॉयलेट के स्कूल नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये जरूरी चीज है, दीज आर द नीड्स ऑफ द स्कूल। क्या, ड्रिंकिंग वाटर, टॉयलेट, दीज आर द नीड्स ऑफ स्कूल। हम लोग नीड्स पढ़े ना, आर फूड, आर क्लॉथ, दीज आर द नीड्स। तो स्कूल का नीड क्या है, ड्रिंकिंग वाटर, टॉयलेट, क्लासरूम, प्लेग्राउंड, दीज आर द नीड्स ऑफ द स्कूल, राइट। अ बिग प्ले ग्राउंड इज ऑल्सो देयर इन आर स्कूल। और एक बहुत बड़ा प्ले ग्राउंड है स्कूल में, राइट। स्टूडेंट प्लेइंग इन इंटरवल। और स्टूडेंट क्या करते हैं, इंटरवल में जो आपको लंच होता है, ये किसी किसी स्कूल में 2 पीरियड्स के बीच में, 2 पीरियड और सेकंड एंड थर्ड पीरियड के बीच में भी एक इंटरवल होता है, ठीक है। 10 मिनट, 15 मिनट का इंटरवल होता है, जिसमें स्टूडेंट क्या करते हैं, प्ले करते हैं, ठीक है। तो इंटरवल मीन्स आइदर वो लंच हो या आप मॉर्निंग में स्कूल से टाइम से पहले, जहां पर आपका पढ़ाई या स्कूल का एक्टिविटीज नहीं हो रहा है, उसमें हम लोग इंटरवल करते हैं, ठीक है। वी लर्न गुड हैबिट्स, हम लोग स्कूल में हैबिट्स, गुड बिहेवियर विथ स्टडी इन द स्कूल। हम लोग क्या क्या स्कूल में सीखते हैं, गुड हैबिट्स सीखते हैं, गुड बिहेवियर सीखते हैं और स्टडी भी सीखते हैं। साथ ही साथ हम लोग स्टडी के साथ साथ क्या सीखते हैं, हैबिट सीखते हैं और गुड बिहेवियर भी सीखते हैं। तो जो भी चीज हम लोग सीख रहे हैं, उसे हम लोग को अपने जीवन में लागू करना होता है। हम लोग अगर जो हैबिट सीख रहे हैं स्कूल में, उसे हम लोग को फॉलो करना है। ये नहीं कि हम लोग सीख लिए और छोड़ दिए, उसको फॉलो भी करना है। तो वी लर्न गुड हैबिट्स एंड गुड बिहेवियर विथ स्टडी। हम लोग पढ़ाई के साथ साथ गुड हैबिट्स एंड गुड बिहेवियर भी सीखते हैं। कहाँ सीखते हैं, स्कूल में। वी लव आर स्कूल। और हम लोग क्या, स्कूल को प्यार करते हैं, हम लोग स्कूल को प्यार करते हैं, राइट। क्योंकि हम लोग सो मेनी थिंग्स वी आर डूइंग इन द स्कूल, दिस इज आर ड्यूटी टू क्लीन इट। और ये हमारा ड्यूटी होता है कि स्कूल को भी हम लोग क्लीन रखें, क्लियर रखें, ये ना कि कुछ भी इधर उधर फेंक दें। स्कूल में डस्टबिन होते हैं, उस डस्टबिन में ही आपको सारे कुछ को फेंकना होता है, राइट। तो जो भी चीज है वो आपको डस्टबिन में डालना है, ये नहीं कि इधर उधर फेंक देना है। तो स्कूल को क्लीन रखना है, तो ये भी हमारा ड्यूटी है, दिस इज आर ड्यूटी टू क्लीन इट, ठीक है। ये हमारा ड्यूटी होता है कि स्कूल को क्लीन रखें, ठीक है। तो यू हैव होमवर्क, यू हैव टू राइट द होमवर्क। एक्सरसाइज बनाना है आपको, वन फर्स्ट एक्सरसाइज में क्या है कि आपके पास 4 ऑप्शंस है और 1 स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट को प्रॉपरली पढ़ना है, समझना है, ठीक है, और आपको करेक्ट ऑप्शन टिक करना है, ठीक है। सेकंड क्या है, टिक करना है करेक्ट ऑप्शन एंड क्रॉस करना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट को, ठीक है। जो स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट को पढ़ना है, और स्टेटमेंट करेक्ट है कि रॉन्ग है, उसके अनुसार से आपको टिक करना है और क्रॉस मार्क करना है। थर्ड है मैच द फॉलोइंग, आपको मैच करना है करेक्ट वर्ड से, ठीक है। एंड फोर्थ फिल इन द ब्लैंक, तो आपको फिल इन द ब्लैंक फिल करना है, ओके। तो दिस आर द होमवर्क। आपको रीड करना है चैप्टर 8 प्लस, यू हैव टू डू द एक्सरसाइज 1, 2, 3, 4, ठीक है। दैट्स इट फॉर टूडेज क्लास। सो यू हैव टू कीप वॉच
योर हैंड, कीप वॉशिंग योर हैंड, आपको हमेशा थोड़ी थोड़ी देर में हाथ को धोते रहना है, बाहर निकलने से पहले मास्क पहन के निकलना है, ठीक है? तो ये बात को ध्यान रखना है. ओके, दैट्स इट. होप यू हैव एंजॉयड दिस क्लास. हैव अ नाइस डे. बाय बाय.